छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान का आयोजन करने का लक्ष्य सड़क सुरक्षा के लिए सिर्फ साधारण नियमों का पालन करने, सुरक्षित सड़क यात्रा पर जोर देना है। आंकड़ों के अनुसार यहां दर्ज किया गया है कि हर साल लगभग लाखों लोग दुर्घटना में मारे जाते हैं या उनमें से कुछ मानसिक आघात, याददाश्त में कमी, हाथ या पैर की हानि, पूरे जीवन भर के लिए परेशानी वाली समस्याओं से पीड़ित हो जाते हैं। इस तरह की स्थितियों के कारण विशेष रूप से भारत में सड़क सुरक्षा के उपयोग का महत्व और आवश्यकता बढ़ जाती है। भारत में सड़क पर यात्रा करने वालों की बहुत बड़ी जनसंख्या है, जैसे दुपहिया, चार पहिया वाले वाहन आदि, इसीलिए उन्हें और भी अधिक सड़क सुरक्षा के बारे में जानना चाहिए। इसके लिए विभिन्न हितकारकों जैसे परिवहन क्षेत्र, पुलिस, शैक्षणिक क्षेत्र, सार्वजनिक एजेंसी, गैर सरकारी संगठन आदि के प्रयासों की भी आवश्यकता है। सड़क सुरक्षा में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को बड़ा अवसर दिया जाता है। कुछ परिवर्तन लाने के लिए देश के युवा सबसे पहले समझना उन्हें चाहिए कि क्या कुछ नियम हैं जो सड़क पर उन्हें फॉलो करने चाहिए। आज 33वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन कार्यक्रम था। जो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करना है। वैसे तो जागरूकता अभियान हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन एक विशेष सप्ताह बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों को सेंसिटाइज करना, ताकि लोग जानते हुए भी कई बार गलती कर देते हैं, लेकिन उनको सेंसिटाइज करने से, बार बार उनको बताने से वो चीज़ें दोबारा गलती नहीं करते हैं। इसी तारतम्य में पिछले 7 दिनों से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। अलग अलग स्कूलों में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। नुक्कड़ सभा, नुक्कड़ नाटक, गीत और विभिन्न माध्यमों से हमने प्रयास किया लोगों को जागरूक करने का। सुरक्षा सप्ताह मनाया गया और उसका समापन हुआ है। आज 11 तारीख से शुरुआत हुआ था और आज समापन दिवस पे हम सभी कलेक्टर साहब, हमारे यहाँ एसपी सब, हमारे जनप्रतिनिधिगण उपस्थित है और यातायात शाखा के द्वारा हर गाँव में नुक्कड़ सभा के द्वारा सबको समझाया गया कि कैसे या हेलमेट लगा के चलना चाहिए और अपना सुरक्षा अपना दायित्व होना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है और उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत जल्द हम इसमें सफल भी होंगे।